हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले रिप प्रोटोकॉल के बारे में, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की अपडेट लगातार मिलती रहे। तो इस शॉर्ट मैसेज के बाद चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो रिप जो है वो एक इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है। जब हम प्रोटोकॉल के टाइप्स पढ़ रहे थे तभी हमने डिस्कस कर लिया था कि रिप जो है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है। इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि जो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है या आपकी कोई कंपनी है तो उसके इंटर नेटवर्क में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसलिए जैसे आप एक समझिए कि कोई, ठीक है, ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो इसका जो यूज़ है अंदर होता है, मतलब इंटर नेटवर्क के लिए, ठीक है, आउटसाइड नहीं होता, इंटर नेटवर्क में, ठीक है। इसलिए इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। ये टाइप्स है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का। हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप उस वीडियो, इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ से उसे वॉच कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो मेट्रिक होते है रिप की, वो होप काउंट होती है। तो होप काउंट कैसे होती है, जैसे ये बहुत सारे राउटर्स कनेक्ट है, ठीक है, सपोज दैट कि ऐसा मेरा इंटर नेटवर्क है, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक पैकेट भेजना चाहता हूँ इस राउटर से इस राउटर पे, ठीक है। ये मेरा सोर्स है, मेरा डेस्टिनेशन है। तो इसकी जो मेट्रिक है होप काउंट है। तो जिस भी रूट से सबसे कम होप होंगे वो उस रूट से पैकेट को फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। जैसे इस रूट पे मेरे सबसे कम होप है, दो ही होप है, और यहाँ तीन है या चार है, तो ये इस रूट से इस होप को फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो इसकी जो मेट्रिक है होप काउंट है, ठीक है। तो आपको यहाँ अच्छा खासा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका कि कौन सी प्रोटोकॉल को कब यूज़ करना है। जब हम इसकी वर्किंग की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आपको कब इस प्रोटोकॉल का यूज़ करना है, ठीक है। रिप जो है मैक्सिमम 15 होप को सपोर्ट करती है। 15 होप को कैसे, हम मैं एक डायग्राम समझाता हूँ। ये आपकी कंपनी का इंटर नेटवर्क है और यहाँ मान मतलब 15 होप है, ठीक है। तो 15 होप तक ठीक है, 15 होप है अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो आप रिप का यूज़ कर सकते हो। बट 15 से ज़्यादा हो तो आप रिप का यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो इसका एक डिसएडवांटेज भी है, इसकी जो मैक्सिमम होप है वो 15 होप तक ही आप कॉन्फ़िगर कर पाएंगे एक इंटर नेटवर्क में, ठीक है। ये यूज़फुल होती है स्मॉल नेटवर्क्स के लिए। वैसे 15 होप भी बहुत होप होते हैं क्योंकि इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते नहीं जो 15 होप का यूज़ करते हैं। कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशन ही होते हैं जो 15 से ज़्यादा होप का यूज़ करते हैं। बट मोस्टली तो जो देखा गया है 1, 2 या 5 के अंदर होप होते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पल होती है स्मॉल नेटवर्क के लिए, अगर आपका एक स्मॉल ऑफिस है, स्मॉल कंपनी है, तो आप इस रिप प्रोटोकॉल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। रिप प्रोटोकॉल अपनी वर्किंग के लिए UDP पोर्ट नंबर 520 का यूज़ करती है। इसे याद रखिए, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। रिप जो है सपोर्ट करती है क्लासफुल सबनेट को। तो क्लासफुल और क्लासलेस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो। क्लासफुल वो सबनेट होते हैं जो IP एड्रेस के साथ साथ सबनेट मास्क का अंदाज़ा लगा लेते हैं, ठीक है, और उसे डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं, ठीक है। और क्लासलेस वो होते हैं जिसमें कुछ भी होस्ट ID होती है, कुछ भी नेटवर्क ID हो सकती है। और आजकल जो हम यूज़ करते हैं वो क्लासलेस सबनेट ही होते हैं, बट रिप जो है वो क्लासफुल सबनेट को सपोर्ट करती है। मैं यहाँ रिप वर्जन 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ रिप की बात कर रहा हूँ। रिप वर्जन 2 की बात हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो रिप जो है क्लासफुल सबनेट को सपोर्ट करती है, ठीक है। डिसएडवांटेज है कि ब्रॉडकास्ट करते हैं राउटिंग टेबल को। तो एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, ऐसे जैसे होप मेरे कनेक्ट है, ठीक है, तो ये क्या है, राउटिंग टेबल को ब्रॉडकास्ट करते हैं। इसके पास जो भी राउटिंग टेबल है उसको ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, मतलब पूरे पूरे कनेक्टेड डिवाइस पे से फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। और रिप में एक खास बात ये है कि जो
ए सिर्फ नेबर राउटर को जानते हैं, जैसे ए जो होप है ए सिर्फ इसको जानता है और ए सिर्फ इसको जानता है, ठीक है। और ये जो शेयर करते हैं अपडेट वो भी इनके साथ ही करते हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। ये इसको इन दोनों के बारे में पता है, इनको इन दोनों के बारे में पता है, इनको इन दोनों के बारे में पता है, तो ऐसा एक नेटवर्क पूरा बनता है, ठीक है। और अपडेट एक दूसरे के साथ शेयर होती है, और वो कैसे होती है, कैसे अपडेट होती है, हम आगे आने वाले वीडियो में जब इसकी वर्किंग की बात करेंगे तो हम पूरे के पूरे सिनेरियो लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसका एक डिसएडवांटेज है, ब्रॉडकास्ट करते हैं राउटिंग टेबल को, ठीक है। इसकी जो एडी वैल्यू होती है, ठीक है, वो 120 होती है। एडी वैल्यू आप इतना समझिए अभी कि जिस भी राउटिंग प्रोटोकॉल की एडी वैल्यू जितनी कम होगी उतने ही उसको ज़्यादा रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने रिप की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बात करेंगे वर्किंग की, कि कैसे रिप प्रोटोकॉल वर्क करती है और कैसे किस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाना चाहिए। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।